हमारे कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथिगण उपस्थित हो चुके हैं। मैं महाविद्यालय के कार्यक्रम एवं प्रिंसिपल रेस्पेक्टेड डीपी शुक्ला सर से, रेस्पेक्टेड ममता वाजपेयी मैम से, रेस्पेक्टेड एचओडी सर अंग्रेजी विभाग डॉक्टर बीपी सिंह गौर सर से, रिस्पेक्टेड नायक सर एवं रिस्पेक्टेड जेपी शाक्य सर से निवेदन करूंगी कि कृपया मंच पर आसीन होने का कष्ट करें। थैंक यू सर। सभी जेस सुरेश एवं दिग्वजनों को यह नमस्कार, वंदन, अभिनंदन। ऑनलाइन कार्यशाला के मंच पर आप सभी का स्वागत है। वी आर ऑनर्ड टू इनवाइट यू टू दिस 5-day नेशनल लेवल वर्कशॉप on intellectual property rights and research skills. Then Dr. Gayatri. मैं डॉक्टर गायत्री एवं मैं रामदास 5-दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला के मंच पर शासकीय महाराजा महाविद्यालय छतरपुर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। The gracious presence of today's patron principal respected Dr. D.P. Shukla sir, IQSC in charge, respected Dr. Mamata Vajpayee ma'am, respected head of the department English, Dr. D.P. Singh Gaur sir, is illuminating the inaugural session of workshop. Corona mahamari ka ant abhi nahi hua hai, hum sabhi ek sthan par ekatrit nahi ho sakte hain, phir bhi भारतीय संस्कृति का निर्वहन करते हुए मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय, आदरणीय ममता मैम, आदरणीय गौर सर से आग्रह करती हूँ कि माँ सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम के औपचारिक प्रारंभ को गति प्रदान करने की कृपा करेंगे। सर प्लीज। अन्य समस्त जनों से आग्रह है कि वे जहाँ हैं वहीं से माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए कार्यशाला की सफलता के लिए अपना योगदान करेंगे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित तरा, या वेद पद्मासना, या ब्रह्माचित शंकर प्रवृत्ति भीर्देवै सदा वंदिता, सा पातु सरस्वती भगवती अंशदाढ्यावहा।
आप इसको कर दीजिए। अरे आप तो कर दोगे। मेरा हो गया सर। मैं थैंक यू सर एंड मैम। द इंग्लिश डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट महाराजा पीजी कॉलेज छतरपुर मध्य प्रदेश इज ऑर्गेनाइजिंग 5 days इंटरडिसिप्लिनरी ऑनलाइन वर्कशॉप ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड रिसर्च स्किल्स इन कोलैबोरेशन विद MPHEQIP मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम एंड IQAC सेल इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल। शासकीय महाराजा महाविद्यालय छतरपुर द्वारा इस 5 दिवसीय अंतर विषय कार्यशाला बौद्धिक संपदा संरक्षण तथा शोध कौशल का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला का आयोजन मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम एवं आंतरिक गुणवत्ता मूल्यांकन प्रकोष्ठ के तत्वाधान में किया जा रहा है। The in charge MPHEQIP Dr. KB Ahirwar sir is working excellently and skillfully for and in this cell. Likewise, IQAC cell is also blooming under the robust guidance of Dr. Mamata Bajpayee ma'am. भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव कहा गया है। इस परंपरा को मूर्त रूप देने के लिए मैं आदरणीय ममता मैडम से निवेदन करती हूँ कि वे शब्द सोमों से अतिथियों का स्वागत करने की कृपा करें। आदरणीय ममता मैडम, आप महाराजा महाविद्यालय में समाजशास्त्र की प्राध्यापक हैं, साथ ही आंतरिक गुणवत्ता प्रकोष्ठ की इंचार्ज भी हैं। आदरणीय ममता वाजपेयी मैम, ओवर टू यू मैम। मैम इसको लगा दीजिए आपका ने। मंचासीन महाविद्यालय के सम्मानीय प्राचार्य डॉक्टर DP शुक्ला सर, मंच पर आसीन डॉक्टर JP शाक्य सर, डॉक्टर SC नायक सर, इंग्लिश विभाग के विभागाध्यक्ष एवं इस 5 दिवसीय वर्कशॉप के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर BP सिंह गौर सर, कन्वीनर डॉक्टर गायत्री डॉक्टर KB अहिरवार सर, को कन्वीनर श्री RD अहिरवार सर एवं श्री DK प्रजापति सर, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर दुर्गावती सिंह, डॉक्टर कमलेश चौरसिया, मॉडरेटर इफ्तिशाम खान, विभिन्न महाविद्यालयों से जुड़े हुए सभी सम्मानी प्राध्यापक, विद्यार्थी, रिसर्च स्कॉलर और आज के हमारे कीनोट स्पीकर सम्मानी डॉक्टर अजय कुमार भारद्वाज जी, इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस महाविद्यालय, अन्य सभी महाविद्यालयों के सभी सम्मानी प्राध्यापक। मैं सर्वप्रथम इस वर्कशॉप में, कार्यशाला में जो कि 5 दिवसीय है, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं इतना अवश्य कहना चाहूँगी कि ये, हालांकि ये 5 दिवसीय कार्यशाला है जो कि लग रहा है हमें कि लंबे समय तक चलेगी, लेकिन इसका जो विषय है वो अत्यंत ही रोचक है और बहुत ही उपयोगी भी है। तो मुझे विश्वास है कि आप सभी इस वर्कशॉप में न केवल लाभान्वित होंगे बल्कि इसकी उपयोगिता अवश्य ही साबित होगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है। इसके लिए मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट को अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ कि इस वर्कशॉप में वो निश्चित ही इसके निष्कर्षों पर पहुँचे और इसके इससे सभी को लाभान्वित करें। ये आज का विषय जो है वो KB अहिरवार सर ने और डॉक्टर गौर सर ने इसको डिसाइड किया है। रिसर्च स्किल भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसमें कि हमारे विद्यार्थी ये सीखेंगे कि वास्तव में
जो शोध आलेख हैं, शोध प्रपत्र हैं, वो कैसे लिखे जाते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है, और इस विषय पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे रिसोर्स पर्सन से मिलेंगी। एक बार मैं रिसर्च विषय के चुनाव के लिए और इस आयोजन के लिए मैं जो इंग्लिश डिपार्टमेंट है उसको शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ और मंचासीन सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच वंस अगेन। Now I would like to invite Dr. D.P. Shukla sir, who is the patron of this workshop, and I would like to request Dr. Shukla sir to give his inaugural speech. Sir, आज की इस पांच दिवसीय शोध कार्यशाला, जिस कार्यशाला का एक तरीके से रूप हमारे महाविद्यालय के इंग्लिश डिपार्टमेंट के द्वारा तैयार किया गया है और इनके क्रियान्वयन का दायित्व तो हमारे ही महाविद्यालय के IQAC और इंग्लिश डिपार्टमेंट के माध्यम से वहन किया गया है। अभी तक मैं चूंकि खुद कॉमर्स का स्टूडेंट्स हूं, तो उस स्टूडेंट्स होने के नाते तमाम प्रॉपर्टी की बातों को तो हमारे माध्यम से किया जाता रहा है, लेकिन वास्तविक रूप से हमारे पास जो कुछ है इस प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा कभी नहीं की गई। मैं इसके लिए अपने महाविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के सभी प्राध्यापकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि इतने अच्छे टॉपिक को उनके माध्यम से चुना गया। जिस टॉपिक का लाभ हमारी इस कार्यशाला में 5 दिन तक जितने भी लोग जुड़े रहेंगे उन सबको भी प्राप्त होगा और हमारे छात्रों को भी प्राप्त होता रहेगा। इस कार्यशाला में आज अगर मैं देखूं तो मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर अजय कुमार भारद्वाज एक्सीलेंस कॉलेज भोपाल से हैं, ये इसमें मुख्य वक्ता के रूप में जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले सम्माननीय भारद्वाज साहब का अपनी ओर से और अपने महाविद्यालय की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। दूसरे वक्ता के रूप में डॉक्टर बीपी गौर शासकीय महाविद्यालय निवाड़ी से जुड़े हुए हैं, तो हालांकि गौर साहब का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान मैं कई बार उनको सुन चुका हूं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में वास्तविक रूप से उनके माध्यम से बहुत सारी बातों को हमारे छात्रों को और हमारे जुड़े हुए सभी प्राध्यापकों को बताया जाएगा। मैं उनका भी इस कार्यशाला में अपनी ओर से, अपने महाविद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, बधाई करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इसमें ये कार्यशाला 5 दिन तक निरंतर रूप से संचालित होनी है, अलग अलग वक्ताओं को इसमें सम्मिलित किया गया है। मैं समझता हूं कि वे सभी वक्ता आज से ही इस कार्यशाला में जुड़े होंगे। इन वक्ताओं में डॉक्टर आरपी सिंह शासकीय महाविद्यालय मोहना, डॉक्टर अनुज हुंडे साहब एक्सीलेंस कॉलेज भोपाल, जो पहले भी हमारे महाविद्यालय द्वारा एक ऑनलाइन वेबिनार आयोजित किया गया था, जिस वेबिनार माननीय हुंडे जी के द्वारा महत्वपूर्ण ज्ञान हम लोगों को और हमारे साथ जुड़े हुए सभी लोगों को प्रदान किया गया था। साथ ही
मुझे सौभाग्य से पूर्व जे उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जो प्राचार्यों की ट्रेनिंग थी, मैं पिछले छठवें बैच में था, मुझे वहां भी माननीय अनुज हुंडित जी को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। उनके माध्यम से दिए जाने वाले ज्ञान को प्राप्त किया गया। मैं सम्माननीय हुंडित जी का भी इस कार्यशाला में हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव जी पुस्तकालय अध्यक्ष होते हुए भी आज किसी प्राध्यापक से कम नहीं हैं, और इनके माध्यम से जिन ज्ञान को, हालांकि हम लोगों की भी थिंकिंग पुराने लोगों की यही हुआ करती थी कि लाइब्रेरियन एक ऐसा पद होता है जिसके पास ज्ञान की कहीं कोई कमी नहीं हो सकती, और उसका कारण भी ये था कि कोई विषय से वो अछूता नहीं होता है। मैं डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव साहब का भी इस कार्यशाला में हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर पीएस द्विवेदी जी आईआईटी तिरुपति से जुड़े हुए हैं, हालांकि मैं इनका आभारी भी हूँ द्विवेदी जी का कि इतने दूर से हमारे छतरपुर जैसे पिछड़े क्षेत्र में अपना लेक्चर देने के लिए अपना व्याख्यान देने के लिए इन्होंने सहमति प्रदान की है। मैं सम्माननीय द्विवेदी जी का भी अपने महाविद्यालय की ओर से और अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस 5 दिवसीय वेबिनार के अंतर्गत डॉक्टर एम के गुप्ता साहब जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके माध्यम से भी ये अपने विषय में पारंगत हैं। डॉक्टर गुप्ता साहब के माध्यम से भी जिन बातों को इस वेबिनार में या इस कार्यशाला में जुड़े हुए हमारे प्राध्यापक भाइयों को और हमारे छात्रों को जो विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जाएगा, मैं उसके लिए इस कार्यशाला में उनका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर महेश शुक्ला साहब हमारे क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं। पहले हम लोग भी रीवा विश्वविद्यालय से संबद्ध हुआ करते थे। ये भी TRS कॉलेज रीवा में स्थापित हैं। मैं शुक्ला जी का भी अपने महाविद्यालय की ओर से और अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और अंत में डॉक्टर SP यादव साहब, इनसे हमारा बहुत लंबा नाता रहा है। जब मैंने 1980 में इस प्रोफेशन में आया था, 1980 में मैंने टीकमगढ़ कॉलेज को ज्वाइन किया था। उस कॉलेज में मैथमेटिक्स विषय में डॉक्टर SP यादव साहब एक सहायक प्राध्यापक के रूप में काम कर रहे थे। मैं इनके ज्ञान के बारे में भी भली भांति तरीके से परिचित हूँ। जब हम लोगों ने 1980 में रिसर्च का नाम नहीं सुना था, रिसर्च पेपर के नाम के बारे में नहीं जानते थे, उस समय सम्माननीय यादव जी के द्वारा विदेशी जर्नल्स में प्रकाशित होने वाले अपने पेपर्स को हम लोगों को बताया जाता था। ऐसे सम्माननीय विद्वान जो हमारे साथ जुड़ सके हैं या हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हुए हैं, मैं सम्माननीय यादव जी का भी, वो चूंकि इस महाविद्यालय में भी प्राध्यापक के रूप में काम किया है और इसके बाद रीवा चले गए थे, रीवा से रिटायर हुए, मैं सम्माननीय यादव जी का भी चूंकि इस महाविद्यालय से उनका नाता रहा है, ऐसी स्थिति में उन्हीं के महाविद्यालय में उनका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दूसरा, ये कार्यशाला जो 5 दिन तक चलने वाली है, इस कार्यशाला में मैं तो 5 दिन तक निरंतर रूप से जुड़ने की कोशिश करूंगा ही, लेकिन मैं अपने सभी सम्माननीय प्राध्यापकों से भी निवेदन करूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा समय इस कार्यशाला में, उससे हमें कुछ ना कुछ प्राप्त ही होगा,
और हमें जो प्राप्त होगा वो हम अपने छात्रों के बीच में वितरित कर सकेंगे। छात्रों से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि छात्र भी इसमें ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करें कि ताकि ऐसे विद्वान वक्ता जो आपके कार्यशाला में जुड़े हुए हैं, ऐसे विद्वान वक्ताओं को पाया जाना सभी के द्वारा संभव नहीं हो सकता है। ये तो आप ही कहिए कि कोरोना ने हमको अवसर प्रदान किया है और इस अवसर की वजह से जगह तगह से लोग बाग आज हमारे साथ जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। निश्चित रूप से इनकी बातों का हमें या इनके ज्ञान का हमें लाभ लेना चाहिए और जो लाभ हमको मिले अपने लाभ को अपने छात्रों के बीच में भी हमें आगे बढ़ाना चाहिए। बाकी ये कार्यशाला सफलतम तरीके से स्थापित हो सके इसके लिए इंग्लिश डिपार्टमेंट IQAC दोनों सेल को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं अपनी ओर से प्रेषित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हौसले फतेह की बुनियाद हुआ करते हैं, हौसले फतेह की बुनियाद हुआ करते हैं, कांपते हाथों से तलवार नहीं उठा करती। वास्तव में बहुत ही साहसिक विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। उम्मीद है अधिक से अधिक लोग इस कार्यशाला से लाभ लेने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, आपकी हौसला अफजाई के लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंग्लिश डिपार्टमेंट रिस्पेक्टेड DP गौर सिंह सर टू अटेम्प्ट एन इंट्रोडक्टरी नोट ऑन द टॉपिक ऑफ द वर्कशॉप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड रिसर्च स्किल्स। Over to you, sir. I would like to welcome our keynote speakers, Dr. Ajay Kumar Bharadwaj, Professor Excellence College Bhopal, and Dr. VP Gaur, Government College Niwadi. I also express my sincere gratitude to our dynamic principal, Dr. DP Shukla sir. Without his guidance and consent, this workshop would not have been possible. Now, I also express my gratitude to coordinator IQAC, Dr. Mamata Bajpayee Madam, Dr. JP Shak sir, who willingly gave his consent to preside this session. Now, I also express my gratitude to Dr. C. Nayak, who will chair the next session. Now, I like to share the screen so that I can discuss a little bit about this topic. Basically, I would like to discuss on intellectual property rights. Now, I'm going to share my screen. इसको माइनस करना पड़ेगा, उसको डाउनलोड नहीं किया था सर। अच्छा,
जीमेल में है ही सर, है ना, मैं जीमेल से तो ये कर रहा है सर, क्योंकि जीमेल से ये कर रहा है। मैडम कैसे ज्वाइन करना है इसको, मैडम कैसे ज्वाइन, मैम मैम आप अपना मोबाइल दे दीजिए सर, वो एक लम्हा बहुत मुकद्दस था जिसमें हमने जन्म लिया, वो एक लम्हा बहुत मुकद्दस था जिसमें हमने जन्म लिया, ये लम्हा भी बहुत मुकद्दस है जिसे हम जन्म देंगे। आदि निश्चित रूप से हमारा वेबिनार बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ऑफ कोर्स मैम, और इसको इंटरेस्टिंग बनाने की दिशा में हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंग्लिश डॉक्टर बीपी सिंह गौर सर अपने एक्सलेंट प्रेजेंटेशन के साथ हम सभी के बीच में उपस्थित होने वाले हैं कुछ ही क्षणों में। While he is trying to open the PPT, there's a note to all the participants, a piece of information that at the end of the day, all the participants will be assessed to a quiz, and that quiz will be given in a Google Classroom. So what to do will be told by Dr. K.B. Aharwal in a few minutes. Adi, Adi sir, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बौद्धिक संपदा संरक्षण है, ये वास्तव में आज के समय में बहुत ही उपयोगी विषय है, क्योंकि क्योंकि आजकल प्लैगियरिज्म बहुत ज्यादा हो रहा है, और ऐसे समय में हर एक ओरिजिनल क्रिएटर को इस बात की आवश्यकता होती है कि वो कैसे कॉपीराइट हासिल करके। तो चलिए हमारे बीच में उपस्थित हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रेस्पेक्टेड डॉक्टर बीपी सिंह गौर सर। Okay, so this property creates two ambivalent senses
two opposite senses, security as well as insecurity. जैसा कि हम जानते हैं, यदि किसी के पास संपत्ति या धन होता है तो अपने आप में उसको एक एक ताकत सी महसूस होती है, एक सुरक्षा का भाव उत्पन्न होता है, एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ उसको उसके पास होती है, साथ में उसमें एक आत्मविश्वास आता है कि हमारे पास प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, यदि कोई भविष्य में दुर्घटना होती है या कोई ऐसी आकस्मिक परिस्थिति उत्पन्न होती है जिसमें धन की आवश्यकता हो तो उस आकस्मिक परिस्थिति से वो निपट सकता है। तो प्रॉपर्टी हमें सिक्योरिटी देती है, इट प्रोवाइड्स अस सिक्योरिटी, लेकिन साथ में ही सिक्योरिटी से हमें, प्रॉपर्टी से हमें, संपत्ति से एक असुरक्षा का भाव भी होता। अब इनसिक्योरिटी किस रूप में मिलती है हमें, इनसिक्योरिटी का भाव कैसे आता है? हमें अक्सर यदि हमारे पास संपत्ति है तो कभी ना कभी यह विचार आता है कि जो हमारे पास संपत्ति है इट में बी स्टोलन, इट में बी टेकन अवे बाय समबडी, ये कोई संपत्ति को चुरा सकता है, ये खो सकती है संपत्ति, या फिर फोर्सफुली ऑक्युपाइड, या कोई व्यक्ति जो है जबरदस्ती हमारी संपत्ति पर कब्जा कर सकता है, उसको ऑक्युपाई कर सकता है। अब जब ये दोनों चीजें हमारे मस्तिष्क में आती हैं, दैट द प्रॉपर्टी में बी स्टोलन और इट में बी फोर्सफुली ऑक्युपाइड बाय एनी अदर पर्सन, तब हमारे मस्तिष्क में ये विचार आता है कि संपत्ति की हम सुरक्षा कैसे करें, कैसे इसको प्रोटेक्ट करें। तो इस तरह से जो संपत्ति है ये हमारे अंदर दो तरह के भाव उत्पन्न करती है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, जो कि दोनों ही बड़े अपोजिट सेंसेज हैं जो कि प्रॉपर्टी के द्वारा हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं। अब बहुत ही जल्दी मैं, हमारे वक्ता हमारा इंतजार कर रहे हैं, हम वक्ताओं को सुनने के लिए बैठे हुए हैं, जल्दी से मैं चलता हूं, हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी के प्रकार कौन कौन से हैं, प्रॉपर्टी को हाउ वी कैन कैटेगराइज प्रॉपर्टी। तो हम देखते हैं बेसिकली प्रॉपर्टी कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री सेगमेंट्स, जैसे हम बोलते हैं रियल प्रॉपर्टी या रियल इस्टेट, या इसको हम बोलते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति। अचल संपत्ति जैसे हमारी लैंड है, फार्म हाउस है, बिल्डिंग है, ये हमारे आते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी में, अचल संपत्ति में या रियल प्रॉपर्टी। दूसरा होता है मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे हमारी कार है या बाइक है या फ्रिज है, कंप्यूटर है, ये सारे हमारे मूवेबल प्रॉपर्टी में है। फिर है हमारा टेंजिबल इनटेंजिबल प्रॉपर्टी। इनटेंजिबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जैसे आइडियाज है हमारे, या कोई इन्वेंशन किया हमने, या कोई सॉफ्टवेयर तैयार किया, या कोई प्रोग्रामिंग तैयार की, ये सारे आते हमारे इनटेंजिबल प्रॉपर्टी। एक्चुअली इनटेंजिबल प्रॉपर्टी हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाती है, जिसका कोई मटीरियल फॉर्म नहीं है, कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। अब इस प्रॉपर्टी को, जो इनटेंजिबल प्रॉपर्टी है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इसको हम कैसे प्रोटेक्ट करें? जो हमारी अचल संपत्ति है उसको तो हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी है हमारी अचल संपत्ति है, इसको प्रोटेक्ट, इसकी सुरक्षा करने के लिए हम हमारी जो जमीन है उसमें फेंस लगा सकते हैं, या जो हमारे गार्ड हैं उनको हम तैनात कर सकते हैं, सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर सकते हैं। इस तरह से जो मूवेबल प्रॉपर्टी है हमारी, जो चल संपत्ति है, जैसे हमारी कार है या कोई गाड़ी है उसको हम गैराज में रख सकते हैं, ज्वेलरी है उसको लॉकर में रख सकते हैं, या और बहुत सारी जो जो हमारी चल संपत्तियां हैं उनको हम एक सिक्योरिटी जोन में रख सकते हैं, उनको हम सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है, जिसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसका संबंध हमारे आइडियाज से है, हमारे आविष्कार से है, इन्वेंशन से है, उसको प्रोटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। ये जो ट्रेडिशनल वेज है, जो परंपरागत तरीके हैं, इनके द्वारा टू प्रोटेक्ट दिस इंटेंजिबल प्रॉपर्टी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बाय द मीन्स ऑफ ट्रेडिशनल वेज इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो अब ये होता है कि इनको हम कैसे, जो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसको हम कैसे डिफेंड करें, कैसे इसको प्रोटेक्ट करें। तो इस प्रॉपर्टी को, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको सुरक्षित करने के लिए कुछ लीगल प्रोविजंस हैं। वो लीगल प्रोविजंस हैं जो कि जो क्रिएटर है इस प्रॉपर्टी का, जो इन्वेंशन करता है या जो क्रिएट करता है, उसकी उस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए कुछ लीगल प्रोविजंस हैं, कुछ वैधानिक प्रावधान हैं जो किए गए हैं,
जैसे पेटेंट है, जो क्रिएटर है इस प्रॉपर्टी का, वो अपनी प्रॉपर्टी का पेटेंट करवा सकता है, वो कॉपीराइट करवा सकता है, ट्रेडमार्क ले सकता है, और कुछ ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं उसकी गारंटी भी ले सकता है। इसी तरह से जो है, जो इसका जो है अगला पार्ट है वर्कशॉप का, वो है रिसर्च स्किल्स। रिसर्च स्किल्स में छात्र ये समझेंगे कि हम रिसर्च किस तरह से करें, अलग अलग डिसिप्लिन के तरीके, रिसर्च करने के अलग अलग तरीके, अलग अलग डिसिप्लिन में ह्यूमैनिटीज का जो है एक अलग तरीका है, जो सोशल साइंसेज है उसकी मेथोडोलॉजी अलग है, प्योर साइंसेज है उसकी मेथोडोलॉजी अलग है। इस तरह से हम देखेंगे कि 5 दिवसीय वर्कशॉप में हम जो रिसर्च है उसके विविध जो आयाम है, कई 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 प्रकार हैं उसके, कई प्रवृत्तियां हैं, उनको हम सीखेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में हम अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की किस तरह से रक्षा करें, किस तरह से सुरक्षा करें, कौन कौन से प्रोविजन हैं उनके बारे में हम जानेंगे। मैं अधिक समय न लेते हुए मैं अब आग्रह करूंगा डॉक्टर गायत्री को, वो इस कार्यशाला को आगे बढ़ाएं और हमारे जो वक्ता हैं उनको आमंत्रित करें। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर, इट्स ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। Now there is a piece of information to all the participants that at the end of the day a quiz will be conducted, and that quiz will be conducted through Google Classroom. So the participants are supposed to attempt that quiz at the end of the day. So I would like to request Dr. KB Herwar sir to come forward and tell the technical things about the quiz. Thank you very much. बहुत पहले से ही लेट हो गए हैं, तो मैं बहुत ही संक्षिप्त में जितने भी हमारे प्रतिभागी हैं उन प्रतिभागियों को कुछ निर्देश देना चाहता हूँ। कहना चाहिए कुछ जो इस वर्कशॉप की भागीदारी के लिए आवश्यक बातें हैं उन पर मैं बहुत ही संक्षिप्त में चर्चा करने वाला हूँ। पहली बात तो यह कि मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ कि इस वर्कशॉप में लगभग 350 से अधिक पंजीयन हुए हैं, जो कि कहना चाहिए एक सफलता हेतु एक माइलस्टोन है, क्योंकि 5 दिन का कोई कार्यक्रम होता है और 5 दिन का कार्यक्रम में लोग बाग कम ही रुचि लेते हैं, लेकिन इतना ज्यादा पंजीयन होना इसका मतलब है कि आप सभी लोगों का सहयोग इस वर्कशॉप में बहुत ही अच्छा है। मैं विद्यार्थियों और शोधार्थियों एवं शिक्षकों जो जो इस वर्कशॉप के प्रतिभागी हैं उन सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि ये वर्कशॉप है एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, और प्रशिक्षण कार्यक्रम में चूंकि ये होता है कि अधिकांश हमें सीखने के लिए मिलता है, और हम इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से कितना सीखे हैं इसके लिए परीक्षा भी आयोजित होती है। जैसे कि UGC के गाइडलाइन है कि वर्कशॉप हो या FDP हो, इन सभी कार्यक्रमों में एक लेक्चर के बाद में फीडबैक टाइप का एक क्वेश्चनार बनाया जाता है, जिसमें जो प्रश्न होंगे, जिसमें प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों का एक अमूमन बहुत साधारण से प्रश्न होंगे जो कि लेक्चर से संबंधित होंगे। यदि आप लोग लेक्चर्स को बड़े ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप लोग उन सभी प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। एक बात और है कि यूट्यूब लाइव की जो लिंक्स आप लोगों के लिए शेयर की गई है, यदि आप लोग बाद में भी उन्हें देखना चाहें तो इन्हीं लिंक पर आप शेयर करके उन वीडियोज को देख करके भी आप उन क्विज़ को हल कर सकते हैं। उस क्विज को हल करने के लिए एक थोड़ा सा सरल सा उपाय है जिसके लिए मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हालांकि व्हाट्सएप के जो दो ग्रुप हैं, दोनों ग्रुप में इन्हें पहले से ही शेयर कर दिया गया है, और ये आवश्यक एक इस वर्कशॉप का एक आवश्यक हिस्सा है, और इसमें इसके बारे में सभी लोगों को पता होना भी बहुत जरूरी है, इसलिए ये बताना भी बहुत आवश्यक है। जैसे कि मैंने आप व्हाट्सएप के ग्रुप में पहले इस बात को शेयर किया है कि एक क्विज आयोजित होगा डेली, और एक क्विज की जो लिंक है लगभग 6 से 7 बजे के बीच व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, जहां पर लगभग 10 प्रश्न होंगे, और 10 प्रश्नों का आपको क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे जिनका आपको उत्तर देना होगा। ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं या कहने चाहिए जो क्वेश्चन पेपर है जो गूगल क्लासरूम से जोड़ा गया है, गूगल क्लासरूम से जोड़ने का एक उद्देश्य है कि वहां पर हम कंपैरेटिवली सभी प्रतिभागियों का मूल्यांकन कर सकेंगे, और किसी प्रतिभागी का कहने चाहिए प्रदर्शन कैसा है उसमें, इस प्रदर्शन को हम देख पाएंगे। और मैं यहाँ पर आप लोगों से बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ कि इस
क्विज में प्रतिदिन जो क्विज की लिंक आयोजित होगी उसमें कम से कम 40% मार्क्स आप लोगों के आना आवश्यक है। जिन प्रतिभागियों के कम से कम 40% अंक सभी क्विजेज में होंगे सिर्फ उन्हीं प्रतिभागियों को ई सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा, ऐसा इस आयोजन समिति ने निर्णय लिया है और जो कि यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार है। इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पर आपको गूगल क्लासरूम को सर्च करना है। यू कैन सी इट ऑन माई मोबाइल स्क्रीन, दैट इज ऑल्सो विजिबल ऑन योर स्क्रीन्स, उन पर भी ये विजिबल होगा, वहां पर आपको दिख रहा होगा। इसको सर्च करने के बाद में जो पहला ऑप्शन आए उस पर क्लिक कीजिएगा, इस तरह से विंडो आपके सामने खुल जाएगी। इंस्टॉल पर आपको क्लिक करना है और इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद में एप्लीकेशन डाउनलोड होने लगेगी और फाइनली इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। जो नीचे ओपन का जो कैप्शन है उस कैप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपकी डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा और ये वाली स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी जहां पर आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। और गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने के बाद में आपको उस जीमेल के अकाउंट से इसमें लॉगिन करना है जिस जीमेल के अकाउंट से आप मोबाइल में ऑलरेडी लॉगिन हैं। यदि आप एक से अधिक अकाउंट यूज करते हैं तो इस तरह की स्क्रीन आपकी उपलब्ध होगी, वरना आपका एक अकाउंट होगा जिस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करते ही आप इस एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद में फिर आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप पर जो लिंक शेयर की जाएगी गूगल क्लासरूम से जुड़ने के लिए लिंक ऑलरेडी शेयर होने के बाद उस लिंक पर के सामने ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। स्क्रीन गूगल क्लासरूम भी प्रकट होगा, आपको गूगल क्लासरूम पर क्लिक करना है और इसको सिलेक्ट करने के बाद में ये आपका ऑटो पॉइंट और अंत में आप ऑटोमेटिक रूप से क्या है गूगल क्लासरूम से जुड़ेंगे या जुड़ जाएंगे। और जो क्विज की जो लिंक है वो गूगल फॉर्म की लिंक होगी जो कि ऑटोमेटिकली इस गूगल क्लासरूम से जुड़ी होगी, जहां पर हम कंपैरेटिवली सभी प्रतिभागियों का मूल्यांकन कर सकेंगे। इन बातों का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि ये अनिवार्य भाग है इस वर्कशॉप का, इसलिए सभी प्रतिभागियों से एक बार फिर से निवेदन है कि शाम को 6 से 7 बजे इस क्विज की लिंक सेंड की जाएगी, जिस क्विज को आपको जरूर हल करना। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आप सभी कार्यशाला के प्रतिभागियों को इस बात से अवगत हो गए होंगे कि हर दिन कार्यक्रम के समापन पर, कार्यशाला के समापन पर एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसके प्रश्नों के उत्तर आपको प्रतिदिन के स्पीकर्स वक्ताओं के वक्तव्य में ही मिलेंगे। आता है आप लोग कृपया ध्यान से वक्ताओं के वक्तव्य को सुनिए और इस प्रतियोगिता जरूर सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई वुड लाइक फर्स्ट सेशन चेयरपर्सन रिस्पेक्टेड जेपी शाक्य सर, ही इज Professor and Head of the Department of Philosophy, Maharaja College itself. Sir will honor the chair. Welcome, sir. He is already connected to us through Google Meet. Now over to you, RD sir. Thank you so much, ma'am. Today we are very much honored with the presence of Dr. Ajay Kumar Bharadwaj sir. He is the first speaker in our first session. So, he is the professor of botany in the Institute of Excellence in Higher Education, Bhopal, Madhya Pradesh. He is an eminent academician and he has an experience of 27 years in the teaching. He has also a long experience in the research field. He has produced 4 PhDs. He has written several books and more than 400 lectures he has delivered in so many national or international workshops. Besides being an eminent academician, he is also a recognized trainer of Department of Personnel and Training, Government of India, and has been training in the RCPV Narona Academy of Administration and Management. I would like to request Dr. Ajay Kumar Bharadwaj sir
to bless us with his wonderful lecture. Sir. Thank you, sir. I am audible to you. Yes, sir. Okay, fine. Respected Dr. D.P. Shukla, sir, patron and principal of the college. Dr. B.P. Singh Gaur, sir, convener of this workshop. Dr. Gayatri, Dr. Ramdas Ahirwar, Dr. Mamta Bajpayee, madam, convener IQAC, and chairman, sir, in front of him, I am going to present these things. चूंकि छात्र भी जुड़े हुए हैं तो मैं बाइलिंगुअल चलूंगा. हमारे मित्र भी हैं, मैं वनस्पति विज्ञान का हूँ, वनस्पति विज्ञान के डॉक्टर पीके खरे, तो मैं समय वेस्ट ना करते हुए सीधे जाते हैं. मे आई नो हाउ मच टाइम इज देयर फॉर मी? हेलो, यस सर, वी आर लिसनिंग टू यू. सर, योर माइक इज म्यूटेड. सर, माइक अनम्यूटेड. आर यू? यस सर. एम आई ऑडिबल? हाउ मच टाइम इज देयर फॉर मी? यस सर, नाउ योर वॉइस इज कमिंग. ओके, नाउ योर वॉइस इज कमिंग क्लियरली सर. अ स्लाइड इज कमिंग. Yes, sir. Is it visible to all of you? Yes, sir. Okay, fine. I am thankful to Dr. B.P. Singh ji for sharing some of the basic information about the intellectual property right, as he has discussed security as well as insecurity for the property. आवाज आप तक पहुंच रही है, आप अपने आप को म्यूट कर लें और जब कभी कोई प्रश्न हो तो पूछें, या कभी इंटरेक्शन का टाइम होगा तो जरूर पूछें. एक चीज से मैं इत्तफाक नहीं रखता और वो है कि कहा गया कि इट इज अ टेंजेबल प्रॉपर्टी, और टेंजेबल प्रॉपर्टी की कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती. डेफिनेटली देयर इज अ फिजिकल फॉर्म ऑफ टेंजेबल प्रॉपर्टी ऑल्सो, लाइक मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी. बट if you talk about the tangible property must be disseminated or transmitted to the public for the benefit of public. Yani aam logon tak hamara shodh, hamara gyan aur hamari sari cheeze pahunche, isliye zaruri hai ki hum usko share kare. Aur share karne ke piche jo security aur insecurity hai, उसके लिए जो प्रावधान है उनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहा जाता है. तो इफ यू सी द साइकिल और द मूवमेंट और वट एवर द स्ट्रक्चर ऑफ दिस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज, मेनली इट इज कंसर्न विद द कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड पेटेंट, एंड इट स्टार्ट्स विद द क्रिएशन, एंड आफ्टर क्रिएशन देयर इज एप्लीकेशन. इफ समथिंग इज क्रिएटेड, इट मस्ट बी अप्लाइड फॉर द betterment of life, for the betterment of humankind, and if there is application, then there must be the protection. So if we see the intellectual property right, it works on three pillars, that is creation, application and protection. So my talk will be on basics of intellectual property rights. Dr. Gayatri, slide aa rahi hai beech beech mein, sare animations aa rahe hain. Dr. Gayatri जी सर, जी ठीक है. ओके. तो टुडे माय टॉक विल बी ऑन द बेसिक्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. इफ यू सी द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, देयर आर सर्टेन थिंग्स, और यू मे से दैट द ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट देयर मे बी लॉट ऑफ बुक्स देयर आर अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, एज वेल एज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द नेट. बट टुडे I am restricting my talk to the definitions of IPR, Copyright Act in nutshell, what the IPR includes, what are the different types of IPR, that is intellectual property right, and the what are the amendments in 2012 made to IPR, and where to file patents.
हमारे जो विज्ञान के विद्यार्थी होंगे उनको ये भी जानकारी हम देंगे कि पेटेंट कहाँ फाइल किए जाते हैं। तो इन चीजों पर, इन कवरेज पर हम आपसे अगले 40 मिनट में आपसे बात करने वाले। चलिए अब बात करते हैं कि ये जो बौद्धिक संपदा अधिकार है यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, दिस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर प्रोवाइडेड टू एन ऑथर बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट हिज इंटेलेक्चुअल क्रेडिट्स टुवर्ड्स सोसाइटी। यानी हम जो छात्र विद्यार्थी हैं, हम जो शोधकर्ता हैं, हम शिक्षक हैं, हम सब समाज के प्रति अपनी इंटेलेक्चुअल क्रेडिट अर्जित करते हैं, तो उस इंटेलेक्चुअल क्रेडिट को प्रोटेक्ट करने का काम ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट करता है। जो भी इसका शोध करता है, खोज करता है या आविष्कारक है, उसको चैप्टर 5 टर्म ऑफ कॉपीराइट की बात करता है कि कितने समय के लिए कॉपीराइट होगा। चैप्टर 6 लाइसेंसेस के बारे में बात करता है कि इस कॉपीराइट के तहत यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी बौद्धिक संपदा के अधिकार के तहत किन किन प्रकार के लाइसेंस दिए जाते हैं। चैप्टर 7 कॉपीराइट सोसाइटीज की बात करता है कि कॉपीराइट की कौन कौन सी सोसाइटी है। चैप्टर 8 राइट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफ परफॉर्मेंस की बात करता है, परफॉर्मर के राइट्स की बात करता है। चैप्टर 9 इंटरनेशनल कॉपीराइट किन किन चीजों में है और उससे हमारा इंडियन कॉपीराइट लॉ कैसे तारतम्य स्थापित करता है उसकी बात करता है। चैप्टर 10 रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट किस प्रकार से होगा उसकी बात करता है। चैप्टर 11 इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट यानी कॉपीराइट में जो उल्लंघन की दशाएं हैं उन उल्लंघन की दशाओं में किस प्रकार की स्थिति बनेगी उसकी बात करता है। चैप्टर 12 उन रेमेडीज की बात करता है कि अगर कोई उल्लंघन हुआ है तो उसमें किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी, अगर कोई आवेदन प्राप्त होता है उल्लंघन का या फिर आवेदन दिया जाता है तो उसमें किस प्रकार की रेमेडीज दी जाएगी। चैप्टर 13 जो है वो ऑफेंसेस की बात करता है कि किस प्रकार के ऑफेंस होते हैं। चैप्टर 14 अपील्स की बात करता है और चैप्टर 15 इसमें जो बदलाव होते हैं या जो मिसलिनियस इंफॉर्मेशन है उसकी बात करता है। यानी कि कुल 15 चैप्टर में विभाजित ये कॉपीराइट लॉ है। अगर हम देखें, जैसा कि हमारे प्राचार्य महोदय डॉक्टर डीपी शुक्ला सर बात कर रहे थे शुरुआत में कि ये रिसर्च के इंपॉर्टेंस की बात करते थे, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज ए प्रोडक्ट ऑफ माइंड। एक्चुअली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दिमाग की उपज है, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी पे हो या फिर हार्ड कॉपी में। व्हाटएवर इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ माइंड एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। इट इज सिमिलर टू द प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ मूवेबल और इमूवेबल थिंग्स बट टेंजिबल प्रॉपर्टी लाइक ए हाउस और ए कार वेयर इन द प्रॉपर्टी और ओनर मे यूज हिज प्रॉपर्टी एज ही विशेस। यानी जैसे हमारे पास कार है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास घर है, तो घर हम अपनी इच्छा अनुसार यूज करते हैं, हमें जहां उसमें जो चीज रखनी है वो रखते हैं। एंड नो बडी अदर कैन यूज दिस इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट माई परमिशन। यानी मेरी अनुमति के बिना वह जो मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको यूज नहीं कर सकता। तो इंडियन लॉज में ये प्रावधान किया गया कि जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ माइंड है, हमने जो निर्मित किया है, हमने जो शोध किया है, हमने जो लिखा है, उसको भी कोई दूसरा हमारी अनुमति के बिना नहीं यूज कर सकता। यही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। नाउ अब प्रश्न उठता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आता क्या है। तो सबसे पहली चीज आती है लिटररी वर्क, साहित्यिक वर्क, उसके बाद आर्टिस्टिक एंड साइंटिफिक वर्क, कला से जुड़े और विज्ञान से जुड़े हुए कार्य, फिर आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस, जैसे हमारे नाचने का कोई ढंग हो जो पॉपुलर हुआ हो, हमारे गाने का कोई ढंग हो पॉपुलर हुआ हो, हमारे बोलने का कोई ढंग हुआ हो, ब्रॉडकास्ट का कोई ढंग हुआ हो वो पॉपुलर हुआ हो, उसके बाद फोनोग्राम्स एंड ब्रॉडकास्ट, इनोवेशंस इन ऑल फील्ड्स ऑफ ह्यूमन एंडेवर, मानव हित में जो भी इनोवेशंस है वो सारे इनोवेशंस उसके अंतर्गत आते हैं, साइंटिफिक डिस्कवरीज जो वैज्ञानिक खोज है वो आती है, ट्रेडमार्क्स जितने भी तरह के ट्रेडमार्क्स हैं वो आते हैं, सर्विस मार्क एंड कॉमर्शियल नेम्स भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आते हैं,
इंडस्ट्रियल डिजाइन, कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी मशीन है, उसकी एक डिजाइन बनती है, तो वो इसके अंतर्गत आती है। अनफेयर कंपटीशन में प्रोटेक्शन देने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यूज होती है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो क्षेत्र है वो औद्योगिक क्षेत्र हो सकता है, वैज्ञानिक क्षेत्र हो सकता है, साहित्यिक क्षेत्र हो सकता है, और कला का क्षेत्र हो सकता है। यानी एनी माइंडफुल एक्टिविटी और एनी एक्टिविटी विच इज द प्रोडक्ट ऑफ आवर माइंड इन द एरिया ऑफ इंडस्ट्री, इन द एरिया ऑफ साइंस, इन द एरिया ऑफ लिटरेचर, इन द एरिया ऑफ आर्टिस्टिक फील्ड्स, इट इज अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब जरा बात करें कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते किसे, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, जिस बात जिसको अभी विपिन सिंह साहब बता रहे थे प्रॉपर्टी के रूप में, तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसमें सबसे पहले आता है कॉपीराइट, दूसरा है पेटेंट, तीसरा है ट्रेडमार्क, चौथा है डिजाइन, पांचवा है इन्वेंशन, और छठा है जियोग्राफिकल लोकेशन। यानी ये कुल छह तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मानी गई है इस लीगल प्रोविजन में। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज प्रोटेक्टेड बाय एंड गवर्न्ड बाय एप्रोप्रिएट नेशनल लेजिस्लेशन, जिसकी अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि एक कॉपीराइट लॉ है, इंडियन कॉपीराइट लॉ 1957 का, ये एक नेशनल लेजिस्लेशन है जिसके तहत ये गवर्न होता है इन चीजों, यानी कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, इन्वेंशन और जियोग्राफिकल लोकेशन की प्रॉपर्टी। सर आपका माइक म्यूट हो गया है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, यस सर। स्क्रीन दिख रहा है, चेंज हो रहा है? जी सर, स्क्रीन भी दिख रहा है। ठीक है, तो नेशनल लेजिस्लेशन जो है वो ये सब्जेक्ट कहता है कि इन्वेंशन सब्जेक्ट मैटर है प्रोटेक्शन का, और उनकी भी बात करता है कि इसमें कोई कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई खोज है जो किसी दवा की है और वो जीवन रक्षक दवाएं हैं, तो उस पर आईपीआर लागू नहीं होगा। ये भी स्पेसिफिकली इस लीगल प्रोविजंस में दिया गया है। अब व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स, तो टाइप्स तीन है। इसमें हम बात करें कि प्रोटेक्शन क्या है, रजिस्ट्रेशन की बेनिफिट क्या है, और क्या टाइम है, लाइफ टाइम क्या है। कॉपीराइट की बात करेंगे, कॉपीराइट लिखी हुई चीजें होती है, हम ये कहें कि कृति होती है, ये ओरिजिनल वर्क है ऑथर का, जो बुक्स के रूप में होता है, आर्टिकल्स के रूप में होता है, मोशन पिक्चर के रूप में होता है, और दूसरे क्रिएटिव वर्क होते हैं जिसको कॉपीराइटेड नहीं, आइडिया को कॉपीराइट नहीं किया जा सकता। जो लेख हमने, जैसे कोई बुक है उसकी छाया प्रति आप नहीं दे सकते, इवन राइट टू इंफॉर्मेशन में कोई बुक की छाया प्रति आप नहीं दे सकते, क्योंकि वो आईपीआर गवर करता है। और राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करें तो सेक्शन 9 कहता है कि आईपीआर से रिलेटेड केसेस के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब बेनिफिट क्या है रजिस्ट्रेशन का, तो किसी व्यक्ति को एक लीगल एविडेंस के साथ, पब्लिक नोटिस के साथ ओनरशिप प्रदान की जाती है, और कोई भी व्यक्ति अगर इसको कॉपी करता है, कोई भी व्यक्ति इसको मिसयूज करता है, कोई भी व्यक्ति उसके क्रिएटर को बिना किसी भी तरह का क्रेडिट दिए हुए यूज करता है, तो कोर्ट ऑफ लॉ में उसका जो क्रिएटर है वो उसको, अगर उसका रजिस्ट्रेशन है तो उसको सू कर सकता है, यानी कि उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है, और लाइफ टाइम के बाद 70 साल तक वैलिड होता है, इसके बाद इसको रिन्यू नहीं किया जा सकता। इसी तरह हम ट्रेडमार्क की बात करें, तो ट्रेडमार्क अगर हम देखें तो कोई नाम है, कोई शब्द है, कोई स्लोगन है, कोई सिंबल है जो किसी कंपनी या ब्रांड को आइडेंटिफाई करता है और दूसरी कंपनी या ब्रांड से अलग करता है। इस ट्रेडमार्क को ओनरशिप, ट्रेडमार्क की ओनरशिप उसके क्रिएटर को दी जाती है, और सिंबल के रूप में केवल रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ही हम यूज कर सकते हैं। ये अनलिमिटेड टर्म के लिए होता है, लेकिन हर 10 साल बाद इसको रिन्यू कराना पड़ता है। इसी तरह हम पेटेंट की बात करें, तो पेटेंट किसी इन्वेंशन को जो नया हो और इम्प्रूव फंक्शन का हो, उसके लिए पेटेंट दिया जाता है। इसमें प्रोटोकॉल को
अगर हम देखें तो पेटेंट कराया जाता है, प्रोसेस को पेटेंट कराया जाता है, इन्वेंशन को और केमिकल कंपोजिशंस को पेटेंट। कोई सामग्री बना के सेल नहीं कर सकता बिना हमारी अनुमति के या बिना हमको शेयर दिए। और ये 20 इयर्स के लिए दिया जाता है, 20 इयर्स के बाद इसे रिन्यू नहीं किया जा सकता। आपने देखा होगा कि नैक में आजकल बहुत ज्यादा पॉइंट दिए जाते हैं इसके लिए कि आपके महाविद्यालय में कितने पेटेंट्स हुए हैं, कितने विद्यार्थियों ने, कितने शोधकर्ताओं ने, कितने शिक्षकों ने, कितने शोध निर्देशकों ने अपने नाम से पेटेंट कराए। चलिए अब एक एक करके बात करते हैं, कॉपीराइट पे बात करते हैं। तो कॉपीराइट को अगर विस्तृत क्षेत्र में देखें तो कॉपीराइट किन किन चीजों को इंक्लूड करती है, तो लिटररी वर्क को इंक्लूड करती है, म्यूजिक के वर्क को इंक्लूड करती है, ड्रामा के वर्क को, अभी हमारे साथ इसके कन्वीनर भी इंग्लिश के लोग हैं तो इंग्लिश में जो आपके खास करके यूके और जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज थी उसमें ड्रामेटिक्स बहुत पॉपुलर था, उसके बहुत सारे कार्य हुए हैं। और अमेरिकन लिटरेचर की बात करें और इसकी बात करें तो वहाँ ड्रामेटिक वर्क बहुत ज्यादा है। इसके साथ साथ एकॉम्पेनिंग वर्क, कोरियोग्राफी अभी बहुत पॉपुलर है, पिक्टोरियल ग्राफिक्स एंड स्कल्पचर वर्क, पिक्टोरियल ग्राफिक्स भी एक विशेष तरह की है, वो भी कॉपीराइट के अंतर्गत आती है। बाद में जब संशोधन हुए तो लेबरिंग राइट्स जुड़ गए, यानी ये चीजें तो थी, इसके साथ एक और राइट जुड़ा जिसको कहा गया नेबरिंग राइट्स। और ये कॉपीराइट का नेबरिंग राइट होता है, जैसे आर्ट जो परफॉर्मेंस है वो तो पहले से था कि हम कहें तो कोरियोग्राफी कॉपीराइट का तक था, लेकिन परफॉर्मिंग आर्टिस्ट का परफॉर्मेंस भी कॉपीराइटेड किया गया नेबरिंग राइट्स के थ्रू। फोनोग्राम्स के प्रोड्यूसर्स का जो फोनोग्राम में प्रोडक्शन हुआ वो, और ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, जैसे हम आपसे बोल रहे हैं, आपने हमें आमंत्रित किया है और आप YouTube चैनल पे जा रहे हैं तो कोई उसको यूज नहीं कर सकता, इसके लिए भी कॉपीराइट दी जाती है। तो ये नेबरिंग राइट्स हुए, तो कॉपीराइट के साथ नेबरिंग राइट्स के प्रावधान है। अब मीनिंग क्या है कॉपीराइट का, तो लिटरेरी ड्रामेटिक म्यूजिकल जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम समाहित नहीं है उसका प्रोडक्शन, स्टोरेज और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में स्टोरेज, कॉपी को इशू करना, वर्क टू द पब्लिक नॉट बीइंग कॉपीज ऑलरेडी इन सर्कुलेशन, अगर ऑलरेडी सर्कुलेशन में है तो ठीक है, लेकिन अगर सर्कुलेशन में नहीं है तो उसकी कॉपी को इशू करना भी अपराध है। किसी भी पब्लिक में या पब्लिक के कम्युनिकेशन में परफॉर्मेंस को कम्युनिकेट करना, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म और साउंड रिकॉर्डिंग को डाउनलोड करना और यूज करना, जैसे आपने देखा होगा कि कई बच्चे, हम छात्रों के लिए बता रहे हैं कि बच्चे छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं अपने घर के लिए, अपने बर्थडे पार्टी पर, और वो डाउनलोड करते हैं म्यूजिक और उसके साथ मर्ज कर देते हैं। जब आप उसको फिर से अपने फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर डालना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि उसका साउंड चला जाता है। साउंड इसलिए चला जाता है कि वो कॉपीराइटेड साउंड होते हैं और उसका यूज आप नहीं कर सकते, और वो एक मैसेज देता है कि इट इज ऑलरेडी कॉपीराइटेड एंड यू कांट यूज इट। तो ये चीज इसमें आती है साउंड रिकॉर्डिंग में। किसी भी चीज का ट्रांसलेशन वर्क बिना उसके परमिशन के नहीं किया जा सकता और एडेप्शन ऑफ द वर्क नहीं किया जा सकता। अब ये भी बात आ रही है, हम शोधकर्ताओं के लिए बताते हैं, अभी रिसर्च वर्क की बात होगी थोड़े दिनों बाद, कल या परसों में आपसे रिसर्च वर्क के बारे में लोग बात करेंगे। इवन आइडियाज को प्लेजरिज्म के अंदर रखा गया है, वो कॉपीराइटेड होता है, और आइडियाज को अब इसकी बात हो रही है इसको यूज नहीं कर सकते आप, उनके शब्दों को तो यूज कर ही नहीं सकते। तो एक बीच में आया कि प्लेजरिज्म नहीं करे तो पैराफ्रेज करें, बट पैराफ्रेज इज नॉट ऑल्सो लीगल, किसी भी आइडिया को अपने शब्दों में लिखना भी लीगल नहीं है। ट्रांसलेशन और एडेप्शन ऑफ द वर्क, इन केस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम अगर हम कहें तो डू एनी एक्ट स्पेसिफाइड इन द क्लॉज, किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को बेचना, कमर्शियल रेंटल वे में देना, कमर्शियल रेंटल रूप में कॉपी करना, और एसेंशियल ऑब्जेक्ट और रेंटल के रूप में देना। अगर हम आर्टिस्टिक वर्क की बात करें तो
किसी भी तरह का कार्य जो कला के क्षेत्र का है उसको रिप्रोड्यूस करना, स्टोर करना, डिटेक्ट करना थ्री डायमेंशनल या टू डायमेंशनल वर्क में, टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल वर्क में डिटेक्ट करने के बाद कम्युनिकेट करना, कॉपी इशू करना, एनी सिनेमेटिक फिल्म की कॉपी करना, जैसे हम जाते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं, हॉल में गए और डाउनलोड कर गए, ये कॉपीराइट एक्ट के तहत तो कोई प्रूफ कर दे तो आपको कोर्ट में लीगल एक्शन हो सकता है। किसी के वर्क को एडेप्ट करना और उस एडेप्शन के प्रति के रिलेशन में कोई काम करना। अगर सिनेमेटोग्राफिक फिल्म की बात करें, सिनेमा की बात करें, तो फिल्म की कॉपी बनाना, फोटोग्राफ किसी इमेज फिल्म की किसी भी इमेज की फोटोग्राफ लेना, उसको स्टोर करना इलेक्ट्रॉनिक मीन में, बेचना, कमर्शियल रेंटल रूप में देना, कम्युनिकेट करना फिल्म को पब्लिक में, साउंड रिकॉर्डिंग के केस में साउंड रिकॉर्डिंग इम्बॉडीड करना, यानी एक फिल्म हमने बनाई उस फिल्म में उस साउंड को डालना, सेल करना, कमर्शियल रेंटल यूज करना और साउंड रिकॉर्डिंग को पब्लिक को कम्युनिकेट करना। अब प्रश्न उठता है, ये तो कॉपीराइट की बात हो गई कि कितने प्रकार के कॉपीराइट होते हैं और कैसे कॉपीराइट होते हैं। अब इस कॉपीराइट की ओनरशिप किसके पास होगी, तो आप देखें फर्स्ट ओनर कॉपीराइट का है जो ओरिजिनल ऑथर है, ओरिजिनल ऑथर फर्स्ट ओनर इसका होता है। लिटरेरी ड्रामेटिक आर्टिस्टिक वर्क में अगर हम किसी के यहाँ काम करते हैं, किसी न्यूज़पेपर में, किसी मैगजीन में, किसी पीरियोडिकल में या अप्रेंटिसशिप करते हैं, अब उसका जो प्रोपराइटर है वो उसका ओनर होगा, क्योंकि हमको उसके लिए तनख्वाह मिली है और हमने उसके लिए ये प्रोड्यूस किया है, तो जो प्रोपराइटर है उस कंपनी का वो फर्स्ट ओनर होगा। इसी तरह फोटोग्राफ अगर हमने लिया है, पेंटिंग कोई बनाई है, पोर्ट्रेट कोई ड्रॉ किया है, कोई सिनेमाटोग्राफिक फिल्म बनाई है, तो वो पर्सन जिस पर्सन ने उसके बिहाफ पे एग्रीमेंट किया हो फर्स्ट ओनर होगा कॉपीराइट का। और अगर कोई स्पीच पब्लिक में डिलीवर हुई है, जैसे हम आपके बीच में डिलीवर कर रहे हैं, तो हमारा कॉपीराइट है उस स्पीच पर। और अगर हम किसी दूसरे, कभी कभी होता है कि मान लीजिए कि हम बोल नहीं पाते और हमने सारी चीजें मान लीजिए बीपी सिंह साहब को दे दी होती और बीपी सिंह साहब हमारे बिहाफ पर बोलते, तो हमारे बिहाफ पे बोलते तो उसका कॉपीराइट उनके पास होगा और जो लिखित है उसका कॉपीराइट मेरे पास होगा। गवर्नमेंट वर्क के केस में फर्स्ट ओनर गवर्नमेंट होती है कॉपीराइट की। इन केस ऑफ वर्क मेड और फर्स्ट पब्लिश्ड बाय अंडर द डायरेक्शन और कंट्रोल ऑफ एनी पब्लिक अंडरटेकिंग, तो वो पब्लिक अंडरटेकिंग फर्स्ट ओनर होती है। अब यहां पर एक और बात है कि कॉपीराइट हमने लिखी जरूर और हमने कॉपीराइट ट्रांसफर कर दिया। जैसे शिक्षकों के लिए बताना चाहूंगा कि अभी हम लोग आपके बिहाफ पर, खास करके साइंस विषय में IEHE ने आपकी रिकॉर्डिंग की, आपके पूरे क्लास की, और उसको नेट पे डाली है और वो हायर एजुकेशन की साइट पर आप देख सकते हैं। मैंने सारे जितने भी ओनर थे जो उस लेक्चर को डिलीवर किए हैं उनसे कॉपीराइट अपने संस्थान को ट्रांसफर कराया ताकि हम डाल सकें, तो हर व्यक्ति इसको असाइन कर सकता। हालांकि यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हमने लिया था आपसे कॉपीराइट ओनरशिप, लेकिन इसके दाम भी लिए जा सकते हैं, इसके पैसे भी लिए जा सकते हैं। तो कॉपीराइट जो ओनर है वो पार्शियली या होली अपने कॉपीराइट को सर्टेन अमाउंट लेकर के ट्रांसफर करता है। लेकिन अगर हम देखें तो ऑथराइज्ड एजेंट के माध्यम से भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं या डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं। जितने दिनों के लिए हमने ट्रांसफर किया है उतने दिन तक डेट ऑफ असाइनमेंट से वो यूज कर सकता है और ये नोटिस रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट्स को हमको देना पड़ता है, यानी उस जो प्रोडक्शन है वो जो चीज है उसको हमको रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट को इन्फॉर्म करना पड़ता। अब प्रश्न उठता है कि क्या टर्म होगा कॉपीराइट का, ये भी अलग अलग है। अगर आप देखें तो लिटररी ड्रामेटिक म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क में 62 साल के लिए कॉपीराइट प्रदान किया जाता है। एनोनिमस या सेवडो एनोनिमस वर्क के लिए कॉपीराइट 63 इयर्स के लिए दिया जाता है। पोस्थमस वर्क, डेट ऑफ डेथ ऑफ ऑथर, यानी ऑथर की डेथ हो गई तो जो सेकेंड पोस्ट ऑथर होगा उसकी डेथ तक चलता रहता है ये। फोटोग्राफ के केस में 66 साल के लिए कॉपीराइट दिया जाता है। सिनेमेटोग्राफिक फिल्म के केस में 67 साल के लिए
67 ईयर्स के लिए कॉपीराइट दिया जाता है, साउंड रिकॉर्डिंग के केस में 69 ईयर्स के लिए दिया जाता है, गवर्नमेंट वर्क के लिए 71 ईयर्स का कॉपीराइट होता है और पब्लिक अंडरटेकिंग को 73 साल का कॉपीराइट दिया जाता है। तो दीज आर द ईयर्स फॉर विच कॉपीराइट इज गिवन। अब प्रश्न है कि कॉपीराइट में किस प्रकार के अपराध का संज्ञान लिया जाता है, यानी जो लीगल अथॉरिटी गवर्नमेंट ने दी है कॉपीराइट लॉ के थ्रू, तो उसमें एक कॉपीराइट बोर्ड बनाने की बात है, उसके पास सिविल कोर्ट के पावर होते हैं और वो सेक्शन 345 और 346 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडर 1973 का उसको यूज करने का अधिकार होता है। बोर्ड के समक्ष सारी प्रोसीडिंग रखी जाती है और ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193 एंड 228 ऑफ इंडियन पेनल कोड इसको डिसाइड किया जाता है। किस तरह के अपराध? एनी पर्सन हु नोइंगली इंफ्रिंजेस और एबेट्स द इंफ्रिंजमेंट ऑफ द कॉपीराइट इन ए वर्क एंड अदर राइट कन्फर्ड बाय दिस एक्ट, उसका उल्लंघन करता है तो उस पर वो एक्शन ले सकता है। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को 6 महीने से ज्यादा का जेल हो सकता है, जो 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है, और 50,000 से लेकर के 2,00,000 रुपए तक का फाइन किया जा सकता है। अगर बार बार वो करता है इसी तरह का काम तो उसकी जो पेनल्टी है उसको इनहेंस कर सकते हैं और सेकेंड और थर्ड के लिए सबसिक्वेंट ऑफेंस के लिए 1 साल की कम से कम जेल जो 3 साल तक बढ़ाई। हेलो जी सर, यस सर, ठीक है, ओके सर। अगला ऑफेंस है कि नोइंग यूज ऑफ इंफ्रिंजमेंट कॉपी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम टू बी एन ऑफेंस। अगर कंप्यूटर प्रोग्राम के इनसे लेकर के 3 साल से हो सकती है और 50,000 रुपए से 2,00,000 तक का फाइन हो सकता है। अगर 52A सेक्शन का उल्लंघन किया है जो साउंड रिकॉर्डिंग और वीडियो फिल्म से संबंधित है तो वैसे केसेस में वो 3 साल तक की सजा और फाइन दिया जा सकता है। अगर कंपनीज ने कोई उल्लंघन किया है हमारे पेटेंट का बिना जानकारी के या हमारे कॉपीराइट का बिना जानकारी के अगर उपयोग किया है तो वैसे केस में उस कंपनी पर भी फाइन लगाई जा सकती है और उस कंपनी के सीईओ को जेल हो सकती है। अब बात करें, ये तो कॉपीराइट की बात होगी, अब जरा सा ट्रेडमार्क की बात करें कि ट्रेडमार्क क्या होता है। तो ट्रेडमार्क एक आइडेंटिफिकेशन सिंबल है। ट्रेडमार्क पब्लिक को किसी दूसरे सामग्री से या उससे मिलती जुलती सामग्री से अलग करने का एक माध्यम होता है। इस ट्रेडमार्क को यूज करके पब्लिक ये आइडेंटिफाई करती है कि ये हमारे उपयोग का है। जैसे ISI मार्क आपने देखा होगा, तो ISC एक ट्रेडमार्क है और वो ट्रेडमार्क एक सर्टिफिकेशन होता है और वो सर्टिफिकेशन लगा है तो हम मानते हैं कि जो हमारे अप्लायंसेज हैं वो सेफ है। सेटिस्फेक्शन की केस में व्यक्ति उसको रिपीट करता है और वो ट्रेडमार्क देखता है, इसलिए ट्रेडमार्क को इस कॉपीराइट लॉ के तहत इंक्लूड किया है। अब पेटेंट की बात कर ले, पेटेंट गवर्नमेंट ग्रांटेड सिक्योर्ड लीगल राइट्स है जिसके तहत हमारी खोज को, हमारी प्रोसेस को, हमारी प्रोटोकॉल को कोई यूज नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता और उस प्रोटोकॉल के आधार पर कोई चीज निर्मित नहीं कर सकता। पेटेंट एक पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, ये खोजकर्ता की पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, लेकिन खोजकर्ता इसके लिए लाइसेंस दे सकता है, खोजकर्ता इसको बेच सकता है, ये खोजकर्ता व्यक्ति भी हो सकता है और संगठन भी हो सकता है। पेटेंटेबिलिटी की एक कंडीशन है, पेटेंट कैसे मिलता है, तो पेटेंट के लिए हमको अप्लाई करना होता है। अभी आगे बात करेंगे कि किसके पास अप्लाई करना है, बता रहा वो तो सुन ले। तो हाँ, पेटेंट जो है उच्च शिक्षा के बच्चे है ना, उच्च शिक्षा उच्च शिक्षा
कोई दिक्कत आप लोगों को? चलिए, तो कोई भी खोज है, कोई भी प्रोसेस है जो पेटेंट किया जाता है, वो तब पेटेंट होता है जब वो नया हो, इनोवेटिव स्टेप्स हो और इंडस्ट्रियली एप्लीकेबल हो, इंडस्ट्रीज के लिए एप्लीकेबल हो। अब डेट ऑफ फाइलिंग से लेकर के एक लंबी प्रक्रिया के तहत इसको पब्लिकली आइडेंटिफाई करके कि ये नया हो, नोवेल प्रोडक्शन हो, तभी उसको पेटेंट दिया जाता है। और पेटेंट करने के तीन पार्ट होते हैं। ऑफिस, पेटेंट ऑफिस इसको ग्रांट देता है, इसके क्लेम हम लोग करते हैं, पब्लिक भी क्लेम कर सकती है, और इसके स्पेसिफिकेशंस को डिसाइड किया जाता है। नाउ पेटेंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो पेटेंटेड प्रोडक्ट कमर्शियल मार्केट में जब पहुंचता है तो उसका जो सेल का जो कंपनसेशन है वो कंपनसेशन खोजकर्ता को मिलता है। एक बार कोई प्रोडक्ट पेटेंट हो गया और सेल्स के पास गया तो कंपनी उसको प्रोड्यूस करती है और उस प्रोडक्शन पर जो उसको फायदा होता है उसका सर्टेन पार्ट उस खोजकर्ता को देता है। सिस्टम सेल्फ सस्टेनिंग हो, अवार्डेड हो, लोग शोध की दिशा में बढ़ें, उच्च शिक्षा में हम लोग हैं, उच्च शिक्षा में शोध की ओर बढ़ें, इसलिए ये पेटेंट की व्यवस्था की गई है ताकि शोधकर्ता को उसका रिवार्ड मिले। पेटेंट अगर ना किया जाए तो कंपनी आसानी से किसी भी खोज को, किसी भी प्रोटोकॉल को चुरा करके और उसको कमर्शियल मार्केट में उसके प्रोडक्ट बना सकती है और शेयर कर सकती है। तो इसलिए कुछ सिस्टम होना चाहिए और इसीलिए पेटेंट्स वैरायटी राइट्स दिए गए। एक इथिक्स है, इथिकल प्रिंसिपल है, और वो भी इसमें अप्लाई की जाती है कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उन पर पेटेंट नहीं दिया जाता है। यानी अगर हम पेटेंट दें ना दें तो ट्रेड सीक्रेट्स के रूप में बदल जाएगा। आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में जो वैद्य थे वो बहुत अच्छा इलाज करते थे, इथनोबॉटनी में हम लोग पढ़ते हैं कि बहुत अच्छा इलाज करते थे जो श्रुति के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर स्थानांतरित होता था। लेकिन उस समय पेटेंट करने की कोई व्यवस्था नहीं थी तो वो वैद्य अपने बच्चे अगर लायक हुए तो उनको सुनाए, अथवा उनकी मृत्यु के साथ ही वो जानकारी विलुप्त हो गई। इसलिए ये पेटेंट की व्यवस्था की गई ताकि उस खोजकर्ता को जीवन भर मिले और पब्लिक इंटरेस्ट में वो चीज सार्वजनिक हो जाए। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक एब्सोल्युटली प्रोटेक्टेड राइट है जो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के आधार पर है और पब्लिक इंटरेस्ट, सोशल नीड और पब्लिक यूटिलिटी को प्रमोट करता है। तो हमने बात कर ली कॉपीराइट की, ट्रेडमार्क की, पेटेंट की, अब बात होती है डिजाइन की। तो डिजाइन का मतलब कि कोई शेप, कोई आकार, कोई कॉन्फ़िगरेशन, कोई पैटर्न, कोई ऑर्नामेंट का डिजाइन जो किसी आर्टिकल पर या इंडस्ट्रियल प्रोसेस पर बनता हो। ये मैनुअल हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है और सेपरेटेड या कंबाइंड भी हो सकता है, जो सोलली नेकेड आई के द्वारा हम जज कर सके, देख सके। इसको भी रजिस्ट्रेशन डिजाइन एक्ट के तहत किया जाता है और इसको भी कॉपीराइट की तरह प्रोटेक्ट कराया जाता है। अब 2012 में कुछ अमेंडमेंट हुए, कई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुए और उन अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के आधार पर इनको अमेंड किया गया। तो 2012 का नंबर 27 जो है वो कॉपीराइट एक्ट 1957 में 7 जून 2012, ये छात्रों के लिए उपयोगी है, 7 जून 2012 को इसमें अमेंड किया गया है अंतरराष्ट्रीय संहिताओं के रूप में। कॉपीराइट अमेंडमेंट बिल 2012 में प्रस्तुत किया गया और इंडियन कॉपीराइट लॉ को इंटरनेशनल ट्रीटीज और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर इसको चेंज किया गया। क्या क्या चेंजेस किए गए? तो आर्टिस्टिक वर्क, सिनेमैटिक फिल्म और साउंड रिकॉर्डिंग, जो हमने नेबरिंग राइट्स की बात की थी वो नेबरिंग राइट्स दी गई। हमने वर्ल्ड ट्रीटी की बात की, वाइपो कॉपीराइट ट्रीटी और वाइपो परफॉर्मेंस फोनोग्राम्स ट्रीटी के आधार पर अमेंडमेंट किए गए। इसको ऑथर फ्रेंडली बनाया गया क्योंकि पेटेंट लेने में बहुत समय लगता था। जो विज्ञान के शिक्षक होंगे उनसे आप कंसल्ट कीजिएगा, इसके असाइनमेंट और लाइसेंस में लगभग 1.5 से 2 साल का समय लगता है उसकी नोवेल्टी को प्रूफ करने में। उसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स किए गए। फैसिलिटेशन ऑनलाइन कर दिया गया कि ऑनलाइन आप प्रोफॉर्मा डालें तो फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू द वर्क के अमेंडमेंट किए गए।
इन्फोर्समेंट को स्ट्रेंथ किया गया और इंटरनेट प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया गया। कॉपीराइट बोर्ड में रिफॉर्म किए गए और कुछ माइनर अमेंडमेंट। अब बात करें कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से जुड़ी हुई ऑफिस कहाँ है, तो इसमें तीन तरह की ऑफिस है, जैसे पेटेंट का हेडक्वार्टर, ऑफिस ऑफ द CGPDTA, CGPDTA मतलब कंट्रोलर जनरल का ऑफिस, और ऑफिस ऑफ द पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। तो अगर हेडक्वार्टर रखे तो ये कलकत्ता में है, जिसकी ब्रांचेज चेन्नई में, न्यू दिल्ली में और मुंबई में है। अगर CGPDTA यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन, ट्रेडमार्क एंड जियोग्राफिकल लोकेशन, इसका जो ऑफिस है वो बौद्धिक संपदा भवन एंटॉक हिल SM रोड मुंबई में है, और ऑफिस ऑफ द पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट NIIPM ये नागपुर में। ये पूरा स्ट्रक्चर है पूरे भारत का, ये हमने रेफरेंस लिया है ऑफिशियल वेबसाइट से, जिसका वेबसाइट का एड्रेस है ipindia.gov.in। ये कहता है कि कंट्रोलर जनरल का ऑफिस जो मुंबई में है उसके कई भाग हैं। पहला भाग है राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड मैनेजमेंट एंड PIS जो नागपुर में है। दूसरा भाग पेटेंट ऑफिस है, जिसका हेड ऑफिस कलकत्ता में है, ब्रांच दिल्ली, चेन्नई और मुंबई में है। डिजाइन का ऑफिस कलकत्ता में है, यानी कलकत्ता ऑफिस से हमको डिजाइन पेटेंट कराना है तो उसके लिए जाना पड़ेगा। ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के ऑफिस का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है, उसकी ब्रांचेस दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद में है। इसी तरह ज्योग्राफिकल लोकेशन रजिस्ट्री के राइट्स के लिए चेन्नई में है, SCI CLD रजिस्ट्री दिल्ली में है और कॉपीराइट रजिस्ट्री दिल्ली में। अब जो एप्लीकेशन सेंटर्स हैं पेटेंट के लिए, जानकारी के लिए, खास करके विज्ञान के छात्रों के लिए बना दें, इसकी वेबसाइट है ipindia.nic.in। यहाँ पर अप्लाई करके आप पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चेन्नई पेटेंट ऑफिस में जो कवरेज है स्टेट्स का, वो आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, यूनियन टेरिटरीज ऑफ पांडिचेरी है, लक्षद्वीप है। दिल्ली पेटेंट ऑफिस का जो कवरेज है वो हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। मुंबई पेटेंट ऑफिस का जो कवरेज है वो है महाराष्ट्र, गुजरात और सबसे महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश। हम लोग जो आते हैं वो मुंबई पेटेंट ऑफिस के अंतर्गत आते हैं। गोवा और छत्तीसगढ़ और यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली। इसी तरह कलकत्ता पेटेंट ऑफिस जो है वो कवर करता है बाकी इनको छोड़ करके, जो रेस्ट ऑफ इंडिया है उसको कलकत्ता पेटेंट ऑफिस जो हेड ऑफिस है वो करता है। मेरे बारे में बात हो गई है, ये हमारा नंबर है और ईमेल एड्रेस है। तो ये छोटी सी जानकारी थी, एग्जैक्ट 40 मिनट में हमने सोचा है कि आपके पास मैं पहुंचूं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। डॉक्टर गायत्री, नाउ यू कैन टेक क्वेश्चंस, और किसी को कोई भी चीज अगर इसमें पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। Request answer. If there is any question, then please put up those questions before Bhadwa sir. No, ma'am. Sir, I think somebody wants to ask any questions. Please speak. You are most welcome. आप तक हमारी बात पहुंच गई जो हम बताना चाहते थे, गायत्री मैडम? यस सर, बहुत ही बाखूबी पहुंची सर, और शायद क्वेश्चंस नहीं है। आपका उद्बोधन सर इतना क्लियर और सारगर्भित और स्पष्ट था कि सभी को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। इसके बाद भी अगर कोई प्रश्न आपके पास आता है तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, अगर कोई भी प्रश्न आता है तो हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम उसका आप या तो रिटेन फॉर्मेट में या फिर मौखिक रूप से आपके पास आकर के हम दे देंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस। जब आगे सर भारद्वाज सर के बारे में उनके बायोडेटा और उनकी उपलब्धियों की जानकारी दे रहे थे, तो उस समय मेरे जहन में ख्याल आ रहा था
और वास्तव में वो ख्याल मैं यहाँ पर रखना चाहती हूँ भारद्वाज सर के लिए ही है, आदरणीय भारद्वाज सर के लिए, कि जब से चला हूँ मंजिल पर मेरी नजर है, जब से चला हूँ मंजिल पर मेरी नजर है, मील के पत्थर को मैंने मुड़कर नहीं देखा। सचमुच सर ने मील के पत्थर को शायद मुड़कर नहीं देखा है, सर आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर एक्सपर्टिस। नाउ फर्दर आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑनरेबल चेयर ऑफ फर्स्ट सेशन डॉक्टर जेपी शाक्य सर फॉर हिज ऑब्जर्वेशंस ऑन द टॉपिक डिलीवर्ड बाय डॉक्टर भारद्वाज सर। ओवर टू यू सर, प्लीज। थैंक यू वेरी मच सर। विषय पर आयोजित जो 5 दिवसीय राष्ट्रीय लेवल का जो इंटरडिसिप्लिनरी ई वर्कशॉप थी, इसको इंग्लिश डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज किया और साथ में IQAC गवर्नमेंट महाराजा कॉलेज छतरपुर के तत्वाधान में ये आयोजित हुआ था। मैं इस संस्था के प्राचार्य डॉक्टर DP शुक्ला सर, इंग्लिश डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर BPS गौर सर, IQAC की प्रभारी डॉक्टर ममता वाजपेयी, डॉक्टर SC नायक सर, इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे हैं डॉक्टर गायत्री, डॉक्टर KV अहरवार सर, डॉक्टर RD अहरवार सर, मैडम दुर्गावती सिंह और मैडम डॉक्टर कमलेश चौरसिया तथा मैडम इब्तिसाम खान। आप सबने एक अवसर दिया मुझे यहाँ पर इतने विद्वतापूर्ण व्याख्यान सुनने के लिए, इसके लिए सर्वप्रथम मैं आप सबका आभारी हूँ। भारद्वाज डॉक्टर अजय कुमार भारद्वाज सर ने अभी जो कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट के ऊपर अपना विद्वतापूर्ण व्याख्यान दिया, सचमुच बहुत ही ज्ञानवर्धक था, रोचक था, सरस और सरल भाषा में था। इसकी पहुंच न केवल विद्वानों तक पहुंचेगी बल्कि हमारे विद्यार्थियों तक इसकी पहुंच हमेशा बनी रहेगी। आपने जैसा कि बताया कि कॉपीराइट के विभिन्न 15 चैप्टर हैं जिनके बारे में आपने विभिन्न नियमों को, उनके लॉज को बताया और ये बताने का प्रयास किया कि साहित्यिक कार्य, कला, विज्ञान आदि मानव हित में जो उपयोगी वस्तुएं हैं उन सबको कॉपीराइट किया जा सकता है। औद्योगिक क्षेत्र, वैज्ञानिक क्षेत्र, साहित्यिक क्षेत्र, कला का क्षेत्र है, विभिन्न क्षेत्रों में कॉपीराइट की क्या भूमिका हो सकती है। कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, इन्वेंशंस, ज्योग्राफिकल लोकेशंस आदि के पेटेंट के, आपने जो कॉपीराइट के बारे में बताया, सचमुच एक ऐसी जानकारी थी जो हर व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए अपनी बौद्धिक संपदा को संरक्षित करने के लिए। आपने प्रोटेक्शन के बारे में भी चर्चा की कि जो कृतियां हैं, रचनाएं हैं, बुक्स हैं, आर्टिकल है, मोशन है, पिक्चर हैं या कोई भी मौलिक कार्य है, उनको किस तरीके से हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं कॉपीराइट के द्वारा। रजिस्ट्रेशन की जो बेनिफिट हो सकते हैं, चाहे व्यक्ति को जो ओनरशिप का अधिकार मिलता है उसके बारे में भी आपने बहुत ही सहज ढंग से हम सबको बताया। लाइफ टाइम वैलिडिटी के बारे में भी आपने चर्चा की, जो कि 70 साल तक हो सकती थी, 63 से लेकर के 73 साल तक की कॉपीराइट आपने बताई है। कॉपीराइट के उल्लंघन करने पर जो सजाएं हो सकती हैं,
जो अर्थ दंड हो सकता है, जो विधान हो सकते हैं, क्या प्रावधान है कॉपीराइट एक्ट के तहत, उसकी भी आपने बहुत विस्तृत चर्चा की। आपने ट्रेडमार्क के बारे में विस्तार से बताया, पेटेंट के बारे में बताया, डिजाइन के बारे में बताया, कॉपीराइट अमेंडमेंट 2012 के संदर्भ में बताते हुए आईपीआर ऑफिस जो इंडिया में है, दिल्ली, कोलकाता, नागपुर, उन सब का विद एड्रेस, विद लोकेशन आपने हमारे विद्वान साथियों को और हमारे विद्यार्थियों को बताने का प्रयास किया। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि डॉक्टर अजय कुमार भारद्वाज सर का यह व्याख्यान अत्यंत विद्वतापूर्ण व्याख्यान था, जिसके माध्यम से हम कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट के बारे में बहुत विस्तार से जान सके। मैं ऐसे